मॉर्निंग वंडर्स। तो आज है हमारा फोर्थ और फिफ्थ डे। तो आज जाएंगे हम केबल कार स्काई पार्क, स्काई पास से अनलिमिटेड केबल कार। सॉरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब सोचो सिंगापुर से मलेशिया, मलेशिया से बाली, कैसे जाते होंगे लोग, मुझे तो वो समझ में नहीं आता है। हम तो एक ही कंट्री में थक जाते हैं यार, और मज़ा भी नहीं आता है। लेकिन चलिए, अभी तो सिंगापुर में भी काफ़ी दिन बाकी है। तो आज जाएंगे सेंतोसा वापस, और सेंतोसा में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि उस दिन तो सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियो ही कवर किया था हमने। और आज मौसम भी थोड़ा, देखो बादल गिर रहे हैं, बारिश के अनुमान लग रहे हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि सिंगापुर का मौसम बदलता रहता है। ये लो दिखाऊं आपको सिंगापुर की मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 7, 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ये मुझे बहुत अच्छे लगते, देखो ये ऊपर जो ये कलरिंग दिख रहा है ना पूरा सब, और दूर वहां फ्लायर दिख रहा है, देखो सिंगापुर फ्लायर। और ये सारी रेसिडेंस बिल्डिंग है, और ये है हमारे बादल भैया, काले घनघोर, काले घनघोर बादल। चलो कोई नहीं, अपने चलते हैं ब्रेकफास्ट करने नीचे, और देखते हैं आज मेनू में क्या है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? सुस्ती बता रही। अभी नीचे ही जा रहे हैं ना ब्रेकफास्ट करने, सैंडल पहन लो। मैंने भी पहने सैंडल, देखो ठीक है। तो चलो भाई, ब्रेकफास्ट का टाइम है, और हमें उठ के पहले ब्रेकफास्ट और चाय चाहिए, उससे पहले हमारी मॉर्निंग होती नहीं है। तो हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवा लिया था। हाँ थोड़ा महंगा पड़ता है, बट आप लोग को अगर ऑप्शन चाहिए तो यहीं आसपास सब कुछ मिल जाएगा ब्रेकफास्ट में, अच्छे खासे रेट में। तो आप अगर, आपको अच्छा लगता है कि पहले नहाना है, रेडी होना है, फिर बाहर निकलना है, तो आप बाहर कर सकते हो यार, फिर वरना हमारी तरह होटल में ही इंक्लूड करवा लेना भैया, वरना ढूंढोगे, खाओगे, वापस आओगे, तब तक पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलते हैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देखो इसको, अरे होटल की तो ले लो, वरना वापस कैसे रूम में आएंगे, ऊपर पड़ी है। छोड़ ना मोबाइल, पहले खाना खा। और हमारा रूम है डीलक्स कॉर्नर रूम इन नोएडा। दूरा तू मोबाइल छोड़ दे, वरना तुझे छोड़ के चला जाऊंगा मोबाइल के साथ ही रूम पे। चल जा तेरा काम कर, बटन दबा। तो ऐसा कुछ है रेस्टोरेंट का माहौल ब्रेकफास्ट में। फ्राइड येलो नूडल्स, नासी लामा, वाइट राइस, ये नॉनवेज अपना काम नहीं है, ये एग वेग अपने खाते नहीं है, है कुछ अपने लायक वेज, स्वीट कॉर्न बन, ये बन है। अपना काम का इधर है वड़ा पाव चटनी, और उधर क्या है, इडली सांबा।
दिस इज राइस अपस्टेयर्स लाइक यू नो बनाना स्टेम ओके सो बनाना स्टेम एंड सोया सॉस सेवन काउंटर इज वेजिटेबल ओके यस अदर टू हियर वेजिटेबल दिस इज पूरा इंडियन साउथ इंडियन फूड सेक्शन ब्रेड काउंटर बट क्लोज ऑन इज एग कट एग काउंटर है फर्स्ट वन ऑल एग काउंटर लाइक Thai rice porridge is available. That's very nice. Okay. Thai rice porridge. Okay. Very tasty. Maybe yes, but use a little salt and pepper. So without salt, that's very nice. Thank you. What's your name? My name is Chef Master Chef Manikandan from India. Okay. And Master Chef India. Acha. I'm in Tamil Nadu. Tamil Nadu. You are a blogger? Yeah. I'm a Ranveer Bharat chef also. I know. And Vikas Khanna. Very nice. Yeah. I follow all the seasons of Master Chef. I'm a season Tamil Nadu. Vijay in Tamil season. Vijay Sethupathi was last year. Okay. So, I don't know how Tamil, but I follow the Hindi seasons. Okay. So, how many rounds you have cleared? Huh? How many rounds you have? I'm a top celebrity. Top awarding celebrity. What? Here, Singapore, all Indians also recognized. In worldwide, many Australian Indians just come to 1 year only. So, some walking and business purpose. Okay. That's it. Can you take just for the experience. Yes, yes. That one is Masala Jai, the center one. Gulu baby, what you want? सब कुछ इंडियन मिल जाता है यहाँ पर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ब्रेकफास्ट में. दुर्वा क्या खा रही है? हुआ क्यों चाय पी ले? ये कौन सा है? ये लेके आई तू मेरे लिए? कैसा रहा आपका ब्रेकफास्ट? अच्छा ही रहा है ना, लगता ही नहीं इस होटल में आके कि इंडिया के बाहर है. इंडिया में ही ऐसे लग रहा है सब इंडियन ही घूम रहे हैं, लाइक पूरा होटल इंडियन से ही भरा हुआ है. दुर्वा हो गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट? इसने मेरा आज बहुत साथ दिया भाई, तू नहीं होता तो आज क्या होता? बेसिकली ये मसाला मिक्स टी लेके आई है साथ में, क्योंकि इंडियन टेस्ट तो टी में मिलने वाला नहीं है. तो अपना वाघ बकरी ने हमारा साथ दे दिया है. और भी है मतलब रूम में भी बना सकते हैं, बस हॉट वाटर में मिक्स करना है और सीधा अपना मसाला टी बन जाएगा. और उसमें भी इलायची का स्वाद है. और गाइस देखो यहाँ पे तो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है. और पीछे देखो आप, कुछ दिख रहा है आपको? बिल्डिंग के नीचे आ गए पूरे बादल. देखो टच हो गया ऐसा लग रहा है बादल. ये देखो 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 देखो, बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसी बारिश हो रही है. पीछे आप देखो, बाप रे. A few moments later. Morning. Good morning. Going for Sentosa. Sentosa. उससे पहले केबल कार, यहाँ की सबसे लंबी केबल कार इन सिंगापुर. चलो Let's go. Let's go.
आज हम दिखाते हैं आपको ऊपर से सिंगापुर। बेटा रूम की चाबी हर रोज की तरह। हाँ ले लिए, चलो निकलो बाहर। देखो यहाँ पे होटल में भी है सब कुछ अवेलेबल है ना, और आइस डिस्पेंसर भी है। और आज का है मौसम सुहाना, बारिश अभी अभी गई है। आज टैक्सी नहीं करेंगे, आज MRT से ही जाएंगे हार्बर फ्रंट, और हार्बर फ्रंट से केबल कार टू सेंटोसा। देखो बारिश हुई है, रोड गीले हैं, पानी भरा हुआ है सब जगह पे थोड़ा थोड़ा, और इसकी वजह से इसमें जब धूप गिरेगी तो जो गर्मी निकलेगी बाप रे बाप, बाप की तरह उबलेगा सब। कितना नज़दीक है स्टेशन MRT का, ये रहा देखो चल के आ गए। 2 मिनट लगा मुश्किल से निकल के यहाँ पहुँचने में। अगर आप हॉलीडे इन में रुके हो तो उसके नीचे ही है। रंगून रोड बस स्टेशन, उसके एग्जिट पीछे है ये फेरर पार्क MRT स्टेशन। और यहाँ से हॉलीडे इन होटल के में अंदर भी आप जा सकते हो सीधा वहाँ से निकल के MRT स्टेशन। हम आए और ट्रेन निकल गई, अभी और 4 मिनट वेट करना है। 5-5 मिनट में यहाँ पे MRT आ रही है, मतलब ट्रेन आ रही है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करने का, वरना ऐसे दरवाजे बंद हो गए तो फंस जाओगे बीच में। डैडी चले जाएंगे, मम्मा रह जाएगी, मम्मा चले जाएगी, डैडी रह जाएंगे। ये गई देखो, बाय बाय। अपनी ट्रेन आएगी इधर टू हार्बर फ्रंट, देखो ना लिखा है ना वहाँ पे, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे दिखा है KFC और सबवे। जैसे ही आप हार्बर फ्रंट के टावर नंबर 2 में पहुँचते हो तो बस इतना आसान था केबल कार तक पहुँचना। अब आपको मिलते हैं केबल कार में बैठ के, बने रहिएगा इसी तरह इसी वीडियो में, आपको दिखाएंगे केबल कार और सिंगापुर का व्यू फ्रॉम द टॉप। बर्थडे ना उसकी थीम चल रही है। Ready? Are you ready? Ready, ready, ready.
इसमें लगेगी गर्मी दुर्वा, दुर्वा को काम आएगा अपना फैन। ये हो गए दरवाजे बंद, और अभी यहाँ से पहले जाएंगे माउंट फिबो पीक पे, और वहाँ से रिटर्न होके वापस इधर आएंगे और फिर सेंटोसा जाएंगे। अगर वहाँ जाते माउंट फेवर पर तो टैक्सी करके जाना पड़ता या फिर चल के जाना पड़ता, वो जो कि बहुत हाइट पे है तो थक जाते हैं। तो बेटर है आप हार्बर फ्रंट से ही टावर नंबर 2 से उसको बोर्ड कर लेना। और अभी चल रहा है जैसे हैप्पी बर्थडे, यस बर्थडे ऑफ सिंगापुर केबल कार, और पिकाचू का थीम भी चल रहा है जो हमेशा चलता रहता है, लेकिन अभी उसका बर्थडे का थीम स्पेशल है। कहाँ है पिकाचू, दिखा मेरे को, पिकाचू कहाँ है? वेरी गुड, कैसे बोलता है वो? Look at the view, wow. अभी बस आप एंजॉय करो व्यू को, बातें बातें सब हम बाद में करेंगे। ठंडी ठंडी हवा ले रही है दुर्वा को, देखो एक भी व्यू मिस नहीं होना चाहिए हमारे सब्सक्राइबर्स के। वैसे इतनी गर्मी नहीं लग रही ना, इतनी मतलब लगनी चाहिए, इतनी गर्मी नहीं लग रही। इसमें से यहाँ कहीं से हवा आ रही है ऊपर ऊपर, ये अच्छा, हाँ इधर से देखो यहाँ से हवा आ रही है पैर की, इसमें से ये कुछ अलग टाइप का है। वो ये ना विंड पे डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ पे अगर बारिश रहेगी या विंड रहेगी तो थोड़ा धीमे चलता है, तो इस हिसाब से आपका डिस्टेंस आप कवर करते हो। हमने सुबह बारिश देखी इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए, सोचा था कि अपना जो नेक्स्ट एक्टिविटी है जो बुक किया है टाइम स्लॉट उस पर नहीं पहुँच पाएंगे टाइम से, लेकिन यहाँ पे देख रहे तो केबल कार काफ़ी स्पीड से जा रही है क्योंकि मौसम क्लियर हो चुका है, देख सकते हो आप, और भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, और कुछ ट्रैफिक नहीं है आज, तो जल्दी से पहुँच गए हम लोग। यहाँ नहीं जा रहे, ये तो अभी माउंट फेवर पीक है, यहाँ से घूम के वापस जाएंगे वापस सेंटोसा। माउंट फेवर पीक से व्यू बहुत अच्छा आता है, यहाँ पे कैफे वगैरह सब कुछ रहते हैं। देखो यहाँ पे टैक्सी आती है ओनली, MRT नहीं आती। अभी काम चल रहा है तो मतलब नहीं है उतर रहे सर, रिनोवेशन। ये है माउंट फेवर स्टेशन, माउंट फेबर पे दरवाजे खुलते हैं, आपको यहाँ से व्यू देखने उतरना है तो उतर के वापस बात कर सकते हो। हमें नहीं उतरना है, हमें व्यू यहाँ का नहीं देखना है, मतलब हमें ऐसा कुछ खास लगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है अभी, तो हम लोग तो सीधा जा रहे हैं सेंटोसा क्योंकि हमारा एक्टिविटी भी बुक है 11 बजे का।
सामने दिख रहा है वो यूनिवर्सल स्टूडियो है। इस साइड पे वाटर पार्क है, ये सेंतोसा रिसोर्ट है, रुकने के लिए होटल वगैरह। नीचे पूल में डॉल्फिन्स घूम रही है, देखो वो जो डॉल्फिन्स होता है ना वो है वो। ये रही देख इधर, स्विमिंग पूल के अंदर देख डॉल्फिन दिख रही है। हमारा हैविंग कब तक हमने ये नहीं लिया, फ्लाइट से तो सिंगापुर बहुत देख लिया।